जय श्री कृष्ण। कृष्ण और बांसुरी, अलौकिक प्रेम की एक अद्भुत कहानी। आज हम बात करना चाहते हैं कृष्ण और बांसुरी के संबंध के बारे में। बांसुरी कृष्ण को बहुत प्रिय है। भगवान कृष्ण ने बांसुरी को कभी अपने से अलग नहीं किया। कभी कन्हैया के हाथ में बांसुरी होती है, तो कभी होंठों के पास, तो कभी कमर पर। लेकिन इस बांसुरी और कृष्ण के रिश्ते के पीछे एक प्रसिद्ध कहानी है। यह द्वापर युग की कहानी है। भगवान कृष्ण वृंदावन के बगीचे में घूम रहे थे, हर पेड़ के पास जा रहे थे और हर पेड़ से कह रहे थे कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। पेड़ खुश हो गए और कृष्ण से कहा, हम भी तुमसे बहुत प्यार करते हैं। एक दिन भगवान कृष्ण अचानक दौड़ते हुए बगीचे में आए और सीधे बांस के पेड़ के पास गए। अचानक श्री कृष्ण को आते देख बांस का पेड़ बहुत हैरान हुआ। उन्होंने श्री कृष्ण से पूछा, क्या बात है कृष्ण कि तुम मेरे पास इस तरह दौड़ते हुए आए हो? कृष्ण ने कहा, मैं आपको बताने में बहुत झिझक रहा हूँ। पेड़ ने उत्तर दिया, भगवान अगर मैं आपके काम में आपकी मदद कर सकता हूँ तो मैं खुद को बहुत भाग्यशाली समझूंगा। यह जवाब सुनकर कृष्ण भावुक हो गए और बोले, मुझे तुम्हारी जिंदगी चाहिए, मैं तुम्हें काटना चाहता हूँ। यह सुनकर बांस के मन में विचार आया और उनसे पूछा, कृष्ण इसके अलावा और कोई उपाय नहीं है? श्री कृष्ण ने तुरंत उत्तर दिया कि नहीं, मेरे पास इसके अलावा कोई उपाय नहीं है। मेरी प्रिय वस्तु को प्राप्त करने का यही एकमात्र उपाय है। यह सुनकर बांस ने तुरंत स्वयं को कृष्ण को समर्पित करने का निश्चय किया। कृष्ण ने बांस का एक टुकड़ा हाथ में लिया और उसमें छेद करने लगे। जब कृष्ण छेद कर रहे थे तब बांस को बहुत दर्द हो रहा था, लेकिन बांस ने बिना कुछ कहे दर्द सह लिया। आखिर में छेद करने का काम पूरा हुआ और उसमें नक्काशी का काम शुरू हुआ। यह सब काम पूरा हुआ और बांस का रंग बदल गया। बांस अपनी सारी पीड़ा भूल गया, क्योंकि अब वह बांस से एक बांसुरी बन गया था और यह बांसुरी कृष्ण को अत्यंत प्रिय हो गई। इतिहास गवाह है कि कृष्ण के सबसे करीबी व्यक्ति बांसुरी हैं। बांसुरी के बिना कृष्ण का चित्र अधूरा है। ऐसा कहा जाता है कि जब कृष्ण बांसुरी बजा रहे थे, गोकुल के सारे वृक्ष, नदियों का नीलापन, पशु पक्षी, सब लोग भूलकर सुखी होकर हंसने लगे। जब कृष्ण की बांसुरी बजती थी तो कृष्ण के गांव से दूर दूसरे गांव में रहने वाली राधा भी अपनी चेतना भूल जाती थी और अपना सारा काम छोड़कर कृष्ण माया बन जाती थी। यह है कृष्ण की बांसुरी से निकलने वाले राग की शक्ति। एक लोक कथा के अनुसार एक बार गोपियों को बांसुरी की मीठी ईर्ष्या हुई और गोपियों ने बांसुरी से पूछा, हे बांसुरी, हम अपने आप से ज्यादा कृष्ण को प्यार करते हैं, लेकिन आपको कृष्ण के इतने करीब होने का अधिकार क्यों है? बांसुरी ने बहुत अच्छा जवाब दिया कि हे गोपियों, मैं लगातार कृष्ण के साथ रहता हूँ क्योंकि मैं अपने शरीर को छेद रहा हूँ। मतलब मुझे बांस से बांसुरी बनने में बहुत दर्द होता है और इसीलिए कृष्ण ने मुझे हमेशा अपने पास रखा है, मुझे कभी अलग नहीं किया। दर्द सहने के लिए पात्रता भी जरूरी है। जब भी जीवन में परेशानी हो, जब भी दर्द हो, मुझे एक निश्चित भगवान पर भरोसा करना चाहिए और सोचना चाहिए कि एक निश्चित भगवान मुझे सफल बनाने की योजना बना रहा है। क्योंकि हीरा बनाने के लिए एक पत्थर भी बहुत रगड़ना पड़ता है। एक साधारण पत्थर नायक बन सकता है जब वो खुद को आधा कर देता है। इसलिए भगवान पर भरोसा रखो और विश्वास रखो कि मेरा भगवान हमेशा मेरे साथ है और वो मुझे कभी नुकसान नहीं होने देगा। और जीवन में समस्याएं केवल समस्याएं नहीं हैं दोस्तों, बल्कि आपके व्यक्तित्व को आकार देते हैं। ईश्वर संसार की सारी खुशियां उसी के जीवन में डाल देता है जो समय के साथ चलता है। लेकिन शर्त यह है कि भगवान को कभी न भूलें और उनकी पूजा करना कभी न छोड़ें। जय श्री कृष्ण।